नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बंगाल की खाड़ी में JFS वेदर मॉडल के मुताबिक जल्द ही भयानक चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है और इस सिस्टम के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि ये सिस्टम का कौन सा ट्रैक हो सकता है, कितनी इंटेंसिटी तक ये सिस्टम जा सकता है और विशेष करके कहाँ पर इसका लैंडफॉल होगा। तो इस पर अगर हम अभी JFS वेदर मॉडल जो सिस्टम को दिखा रहा है, यानी कि ये सिस्टम आप देखेंगे इंडोनेशिया और आसपास, यानी कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास ये सिस्टम 10-11 के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और उसके बाद ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास जा कर के ये सिस्टम साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है अभी के मुताबिक ये म्यांमार कोस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा और वहाँ तक जब तक ये लैंडफॉल करेगा ये सिस्टम, उस समय इसकी जो इंटेंसिटी है, JFS अभी इसको सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहा है, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो 957 तक दिख रही है, यानी कि जो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अगर हम इस सिस्टम की विंड शेयर मैप पर भी इसको देखेंगे, यहाँ पे आप इस सिस्टम को देख सकते हैं कि ये सिस्टम 10 तारीख के आसपास, 10 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इंडोनेशिया के आसपास के जो भाग हैं वहाँ पर ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बनेगा और उसके बाद 12-13 के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर में बनेगा और 14 मई या फिर 15 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। उस समय इसका यानी कि सेंट्रल वेव बंगाल के भागों पर ये सिस्टम उस समय रहेगा, वहाँ से इसका जो है वो ट्रैक डिसाइड होगा कि ये सिस्टम इंडिया की कोस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर म्यांमार की तरफ ये सिस्टम जा सकता है। हमें लगता है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश की तरफ ये सिस्टम जा सकता है, लेकिन अभी JFS इसका जो ट्रैक है वो म्यांमार कोस्ट की तरफ दिखा रहा है और म्यांमार कोस्ट पर आप देखेंगे ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यानी कि भीषण एंटिसिटी जो है वो इसकी दिख रही है, यानी कि सुपर साइक्लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस समय इसकी इंटेंसिटी और इसका मॉइस्चर भी आप देख सकते हैं, भरपूर मॉइस्चर इस सिस्टम को मिल रहा है। विंड शेयर आप पीछे देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आसपास का जो जितना भी इंडोनेशिया का जो रीजन है सभी से जो है वो इस सिस्टम की तरफ विंड जो है वो दिखाई दे रहा है, मॉइस्चर इस सिस्टम को मिल रहा है लगातार, जिससे इस संभावनाएं हैं कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई जा सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है क्योंकि इस समय आसपास कोई भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम इंडियन ओशियन में नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी में 10 मई से लेकर के 15 मई के बीच में जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, यानी कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान अगर समुद्री सतह का तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस समय आप यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं टेम्परेचर कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रही है, यानी कि 27 से 30 डिग्री के बीच में समुद्री सतह का तापमान नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो साइक्लोन की जो इंटेंसिफिकेशन और साइक्लोन बनने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पे ये सिस्टम, हमने मंथली वेदर फोरकास्ट में भी बात किया था कि 15-16 के आसपास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम उभर सकता है और जिसके इंडिकेशन जो है वो अब मिलना शुरू हो चुके हैं और इस सिस्टम पर हम लगातार आगे भी नज़र रखेंगे कि ये कहाँ पर लैंड कर सकता है, क्योंकि अभी कोई इसका ट्रैक ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम म्यांमार को ही हिट करेगा, ये तो एक मतलब इंडिकेशन मात्र है कि ये सिस्टम इधर जा सकता है, लेकिन ये भारत की तरफ भी अभी उतना ही रिस्क है कि ये सिस्टम जितना म्यांमार को हिट कर रहा है। भारत के जो विशेष तौर के उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के जो रीजन है यहाँ पर ये सिस्टम लैंडफॉल करने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे और साथ ही इसको जो है वो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी भी जो है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो जिसके चलते ये सिस्टम बनना लगभग तय है। हो सकता है कि 2 से 5 दिन का इसमें डिले देखने को मिल सकता है और लेकिन ये सिस्टम 15 से लेकर के 16-17 मई के बीच में इसका जो है वो
साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बंगाल की खाड़ी के भागों में देखा जाना लगभग तय बन चुका है, और इसका ट्रैक और इसकी इंटेंसिटी जो है वो अभी कंफर्म नहीं है। जैसे जैसे आगे वेदर मॉडल्स इसका संकेत करेंगे उसके हिसाब से हम इसके बारे में आपको लगातार जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।